इफ़्रात के हाथ धोए हैं कौम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। माशाल्लाह हमेशा की तरह तरक्कियों की तरफ रवां दवां, और ये आज मैं जिस ओपनिंग पे आया हूँ, मैं समझता हूँ कि मैंने यहाँ पे बच्चियों को भी देखा जो कल तक यहाँ पे तालीम हासिल कर रही थी, और आज माशाल्लाह एक टीचर बन के यहाँ पे वो इंतजाम चला रही है। अल्लाह पाक इस स्कूल को, इस अकेडमी को, सर रिजवान साहब और इनकी पूरी टीम को मजीद तरक्कियां और बुलंदियां अता फरमाए। मैंने बच्चों में जो अहतमाम देखा, भरपूर अंदाज में उनकी तैयारी थी जो टैबलो पेश किए गए, इसके लिए मैं तमाम इंतजामिया को खराज तहसीन पेश करता हूँ और दाद देता हूँ कि हमेशा की तरह इस दफा भी उन्होंने भरपूर तैयारी करवाई है बच्चों को। और माशाल्लाह मैं सर रिजवान साहब, आपके वालिद साहब भी यहाँ पे बैठे हैं, और मेरी इस इलाके की माए बहने बेटियां भी यहाँ पे बैठी हैं। ये अब जो नेशनल फाउंडेशन स्कूल सर रिजवान साहब ने यहाँ के इंतजाम संभाले हैं, ये सब मेहनत लगन और जदोजहद का नतीजा है। मैं समझता हूं कि कोई माल और जर से, किसी जायदाद से, किसी जात से, किसी पात से, किसी भी तरह से वो बड़ा इंसान नहीं बन सकता। बड़ा वो है जिसका किरदार बड़ा है, और बड़ा वो है जिसके जो खुदा की रज़ा के लिए काम करता है, अल्लाह पाक उसे मर्तबा अता करता है। सर रिजवान साहब, आपने जो छोटी सी अकेडमी शुरू की थी, वो आज ये इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की और अपनी इन माओ बहनों बेटियों की देख कर सलाम पेश करता हूँ आपको, आपके वालदैन को जिन्होंने आपकी अच्छी तरबियत की। और मैं अपनी इस इलाके की तमाम ख्वातीन हजरात से अपील करूंगा कि ये अकेडमी सर रिजवान की अकेडमी नहीं है, ये हर एक फर्द की अकेडमी है, ये आपकी अपनी जाती अकेडमी है। इसमें आपने भरपूर तावत करना है, और मैं आज सर रिजवान साहब अभी थोड़ी देर पहले मेरी बेटी माशाल्लाह सेकेंड ईयर से अच्छे नंबरों में पास हुई है, वो पढ़ी तो रिलेट में है लेकिन उसकी बेस सर रिजवान साहब ने बनाई मेरे बेटे हारिस को, जो उसका बाद में है उसकी फोटी के बाद लिख लिया कि सर रिजवान साहब का क्रेडिट है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये बच्चियाँ मेरी अपनी बच्चियाँ बेटियों की तरह हैं, इन्होंने जिस अंदाज से इन्होंने भी जाती थी, आज माशाल्लाह मैं मुझे इन्हें देख कर कि ये इस इदारे के साथ जुड़ी हुई है और तरक्की जिस तरह से इदारा कर रहे हैं वो बच्चियाँ भी कर। और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपका और सर रिजवान साहब का और आपकी माना के तकरीब जारी रहेगी, यही है आपसे अपील कि हमेशा की तरह आज जो आपकी तादाद है बाप का, मेरा दिल बहुत खुश हुआ। और मैं आप सब पेरेंट्स को भी सलाम पेश करता हूँ और इस अकेडमी के तमाम स्टाफ और टीचर्स को, और खासकर सर रिजवान साहब और इनके वालदैन को, इन्होंने जो खास और मेरी बहनें जो सर रिजवान साहब की बहनें हैं,
और ये जो कन्या प्रेस स्कूल चला रही है माशाल्लाह, जो सेकंड वो हमारा इनका इदारा था उनको भी आई लेट है, ये उनसे जुर्माना आपने करना सर रिजवान साहब, क्योंकि उन्होंने पहले आके जाके इनका मास मांगा थे। तो मैं एक दफा फिर सर रिजवान साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह ताला जिस जगह जहाँ भी जिस वक्त भी 24 घंटे आप जहाँ हाथ मारेंगे आपका भाई आपके शाना बिशाना खड़ा। मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये अल्लाह ताला ने इनको बुलंदियां दी है इल्म की वजह से। मेरे आका दो जहां सरवर कौरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी गोरे को किसी काले पे किसी अरबी को किसी अजमी पे कोई फौकियत हासिल नहीं है, तकवा और परहेजगारी वाले जो है उसको फौकियत है। इन्होंने इनके वालिदैन नेक और परहेजगार लोग हैं, उनकी औलाद होने का इन्होंने हक अदा किया, और इनका ये मैं आपको बहुत बताऊंगा इंशाल्लाह इस इदारे को रिजवान को कभी जवाब नहीं आएगा। अल्लाह पाक इस इदारे को इसी तरह फलता फलता रखे, और ये इदारा जब जब ये जिंदगी है ये इनकी चलता रहेगा, और उनके बाद भी ये सदका जारिया के तौर पर आप लोगों ने इन्हीं बच्चों ने इन्हीं बच्चों ने चलाना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।